फरक्का बैरेज क्रॉस करने के बाद हम ऑफिशियली नॉर्थ बंगाल से साउथ बंगाल में एंटर कर जाएंगे। फरक्का बैरेज इज द डिवाइडर बिटवीन नॉर्थ बंगाल एंड साउथ बंगाल। और ये हम ले रहे हैं बहरमपुर बाईपास अभी खुल चुका है पूरी तरह से। पहले अफवाह था कि सिर्फ दिवाली के लिए खुला है, पर अभी मैं देख रहा हूँ कि पूरा खुला है। वेलकम टू द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। फाइनली तो ये था मालदा का पथोशाती होटल, एकदम हाईवे के ऊपर है। यहाँ पे हम एक रात स्टे करके अभी स्टार्ट कर रहे हैं कोलकाता की तरफ। चलो थैंक यू। हाँ एकदम। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 18th of November और हम ट्रैवल स्टार्ट कर रहे हैं मालदा से कोलकाता की तरफ। मालदा से कोलकाता तक जाने का रूट ऑलमोस्ट सेम ही रूट है जो हम आते वक्त लिए थे। तो ज़्यादा मैं रूट के ऊपर आज फोकस नहीं करूँगा व्लॉग में, बस आपको रोड्स दिखाऊँगा और कुछ बातें करूँगा। छोटा सा वीडियो होने वाला है ये। हमको मालदा सिटी के अंदर घुसना नहीं पड़ा था कल होटल के लिए, बाईपास के ऊपर ही मिल गया था वो पथोशाती होटल, और वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का होटल है एक्चुअली। तो इसलिए मैंने रूम्स दिखाया नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगा, कुछ खास अच्छा नहीं था। पर ठीक है, एक रात के लिए रहने के लिए सही था। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो एकदम हाईवे के ऊपर है, तो सिटी के अंदर जाना नहीं पड़ा, कोई सुबह सुबह कोई ट्रैफिक का कोई सीन नहीं था। बस होटल से बाइक निकाले और हाईवे पकड़ लिया। आज के पहले टोल प्लाजा में फरक्का रायगंज हाईवे टोल प्लाजा, ये एंट्री का टोल प्लाजा है उस हाईवे में, फरक्का रायगंज हाईवे सेक्शन ऑफ NH 34। और थोड़ा आगे चल के एक और टोल प्लाजा आएगा जो कि एग्जिट का टोल प्लाजा होगा। दोस्तों इस हाईवे पे ना बहुत जगह पे लोकल बाजार एरियाज है जहाँ पे लोग ऐसे बहुत इनअटेंटिवली रोड क्रॉस करते हैं, क्रिस क्रॉस ऐसे, तो थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा। यहाँ पे ज़्यादा स्पीड में खींचने से अचानक से कोई सामने आ जाए तो रुकने में दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे स्टार्ट हो गया फरक्का बैरेज। ये है फरक्का बैरेज का लॉक गेट। अच्छा पिछले दिन मैंने नहीं गिना था, आज मुझे लास्ट का नंबर दिख गया 109। तो फरक्का बैरेज में टोटल 109 लॉक गेट्स है। मैं जा रहा हूँ और मेरे साइड से ट्रेन जा रही है। फरक्का बैरेज में आज बहुत जैम है क्योंकि सारे बड़े बड़े ट्रक्स और बस अभी चल रहे हैं इस रूट से। ये एकदम पीक डे टाइम है। जिस दिन आए थे उस दिन थोड़ा कम ट्रैफिक था, ऐसे बाइक लेके थोड़ा बहुत ओवरटेक करके निकल रहा हूँ यहाँ से। फरक्का बैरेज क्रॉस करने के बाद हम ऑफिशियली नॉर्थ बंगाल से साउथ बंगाल में एंटर कर जाएंगे। फरक्का बैरेज इज़ द डिवाइडर बिटवीन नॉर्थ बंगाल एंड साउथ बंगाल। बैलगाड़ी भी दिख गया फरक्का बैरेज के ऊपर आज। कौन सा ट्रेन है ये, मुझे मैंने देखा नहीं, क्या आपने आप में से किसी ने देखा? हावड़ा टू राधिकापुर कहाँ है मुझे नहीं पता। बहुत दिन हो गए ट्रेन से कहीं नहीं गया हूँ मैं, एक्सप्रेस ट्रेन से। फरक्का बैरेज हमने क्रॉस कर लिया, अभी यहाँ से सीधा बहरमपुर और फिर कृष्णनगर होके कोलकाता घुसेंगे। एग्जिट वाले टोल गेट में अब यहाँ से स्टार्ट होता है बहरमपुर फरक्का सेक्शन ऑफ NH 34। फरक्का रायगंज हाईवे सेक्शन ऑफ NH 34 से निकल के हम घुस रहे हैं बहरमपुर फरक्का सेक्शन ऑफ NH 34।
और ये रहा एग्जिट टोल गेट बहरमपुर फराक्का सेक्शन ऑफ NH 34 का। यहाँ से हम बहुत जल्द पकड़ लेंगे बहरमपुर बाईपास। यहाँ से बस दिखा रहा है 18 किलोमीटर्स। मेरे लेफ्ट में चला गया बहरमपुर टाउन और ये हम ले रहे हैं बहरमपुर बाईपास। बहरमपुर बाईपास अभी खुल चुका है पूरी तरह से। पहले अफवाह था कि सिर्फ दिवाली के लिए खुला है, पर अभी मैं देख रहा हूँ कि पूरा खुला है। बहुत अच्छा रोड है, बहुत टाइम सेव हो जाएगा। बहरमपुर सिटी को हम बाईपास कर देंगे पूरी तरह से, ट्रैफिक नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, तो अच्छी बात है। बाईपास हमने कर लिया पार। कोलकाता यहाँ से 191 किलोमीटर है। बहरमपुर पार करने के बाद जैसे ही हम कृष्णनगर तरफ जा रहे हैं, कैसा गंदा वाला जैम मिल रहा है। हर जगह पे डाइवर्शन हो के बहुत सारे ट्रक्स और बसेस का जैम है, बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं, तो ये जगह पार करने में बहुत हालत ख़राब होने वाली है। बहरमपुर का वो गंदा वाला जैम क्रॉस करके कृष्णनगर की तरफ जाते हुए हम क्रॉस कर रहे हैं प्लासी या फिर पोलाशी बंगाली में। यहाँ पर फेमस बैटल ऑफ प्लासी हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और हमारे बंगाल के नवाब श्री राजउद्दौला के बीच में, और वो मीर जफ़र का बिट्रेयल भी उसी वॉर में हुआ था। तो ये एक बहुत हिस्टोरिक सिटी है। ये रहा कृष्णनगर बहरमपुर टोल प्लाजा। इसके बाद कृष्णनगर का रूट स्टार्ट होगा। देखिए कितना जैम है इस यहाँ पे। बहरमपुर के बाद से कोलकाता तक का रास्ता ऐसा ही जैम से भरा हुआ मिलेगा। डाइवर्शन, जैम, ये सब बहुत रहेगा। ये वाला स्ट्रेच सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टिंग और टाइम टेकिंग होता है। ये जो रास्ता पीछे चला गया ये मायापुर जाता है और हम स्ट्रेट कंटिन्यू करेंगे कृष्णनगर की तरफ। घुस गया हमें कृष्णनगर। यहाँ पे मिलेंगे बहुत सारे डाइवर्शंस। यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा मेरा। कृष्णनगर हमने क्रॉस कर लिया, अभी हम जा रहे हैं कल्याणी की तरफ। कल्याणी से मोगरा फ्लाईओवर पकड़ के जाएंगे डानकुनी। डानकुनी से मेरे और शायंतन के रास्ते अलग हो जाएंगे। शायंतन लेगा बाली ब्रिज क्योंकि वो रहता है नॉर्थ कोलकाता में, और मैं लूँगा हावड़ा ब्रिज क्योंकि मैं रहता हूँ साउथ कोलकाता में। तो अभी मैं घुस गया हूँ कल्याणी में और मेरे राइट साइड में है एम्स कल्याणी। और ये हम उठ गए हैं ईश्वर गुप्ता सेतु पे। अभी उस साइड पे उतर के थोड़ा आगे चल के मिल जाएगा मोगरा फ्लाईओवर।
जगह है जहाँ से बाली ब्रिज का रास्ता और हावड़ा ब्रिज का रास्ता अलग होता है, यहाँ से मेरा और सायंतन का भी रास्ता अलग होगा। सिन्हा साहब, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? ट्रॉमेटिक एंड ऑल्सो एडवेंचरस, लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस हो गया। एक ट्रिप में जितना एक्सपीरियंस हो सकता सब हो गया। चलो आबाड़ हो गए, आबाड़ हो गए वंस मोर, नेक्स्ट टाइम। अभी मैंने ले लिया सेकेंड हावड़ा ब्रिज की तरफ, और अभी सीधा सेकेंड हावड़ा ब्रिज से फ्लाई ओवर पकड़ के यूपी का बाईपास पकड़ के। वेलकम टू द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। फाइनली इतने दिनों बाद फाइनली बाइक देख के मैं घुस गया अपने खुद के शहर में। लास्ट फ्राइडे को निकला था, आज सैटरडे है, मतलब आठ दिन बाद में उतर आओ अपने शहर। सो फाइनली अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर कंप्लीट करके पहुंच गया हूं मैं घर पे सेफली। आई होप आपको ये पूरा सीरीज़ बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे लिए तो ये मेरे लाइफ का फर्स्ट मेजर बाइक एडवेंचर था, बहुत मज़ा आया। 14,100 फीट पे नथुला पास पे मैंने बाइक चलाया, और वो मेरे लिए अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है एज अ बाइकर। इस पूरे ट्रिप में मैंने एज अ बाइकर और एज अ पर्सन बहुत ग्रो किया, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने, एंड आई होप मुझको फ्यूचर में भी ऐसे बहुत सारे ट्रिप्स करने को मिलेंगे। सो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा ऐसा कंटेंट बना पाऊँ। उसको सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ग्रो कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।